YouTube प्राइवेसी कंप्लेन क्या है? अगर YouTube प्राइवेसी कंप्लेन के नाम से आपके YouTube पर कोई मेल आया है आपके ईमेल आईडी पर, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? YouTube ने आपको ये मेल क्यों भेजा है? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन साथ में दबा लो, ठीक है? अगर इस तरीके का कोई मेल आपके यूट्यूब चैनल पर आए तो आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो चलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर में आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल पर कुछ इसी तरीके का मेल यहाँ पे मुझे मिला है। और भाई, मैंने पूरे YouTube पे इसके बारे में सब कुछ देख लिया, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम वीडियो, बिल्कुल ना के बराबर, या तो बोल सकते हैं वीडियो है ही नहीं, किसी यूट्यूबर ने भी नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर किसी और जो स्टार्टिंग में जो बिगिनर यूट्यूबर होता है उनकी हेल्प हो सके। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। This is notify you that we have received a privacy complaint from an individual regarding your content. ठीक है, इस पे लिखा हुआ है कि किसी बंदे ने आपके जो आपने जो जिस वीडियो के जिसमें लिंक दे रखा होगा, इस वीडियो पे किसी ने कंप्लेन किया है कि इसमें उसका कोई उसकी कोई प्राइवेसी, जो चीज़ आपको अपलोड नहीं करनी चाहिए थी अपने यूट्यूब चैनल पे बिना उसकी परमिशन के, आपने उसकी कोई चीज़ अपलोड कर दी है, ठीक है? तो उसने यूट्यूब को रिपोर्ट किया है, ठीक है? और भाई, यहाँ पे वीडियो का एक लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको देख लेना है, ठीक है, कि ये कौन सी वीडियो पे आया है प्राइवेसी जो कंप्लेन है, ठीक है? और ये किसकी तरफ से आता है? YouTube सपोर्ट टीम की तरफ से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है। वी विल रिवाइव द कंप्लेन फॉर पर्सनल वायलेशंस और अवर पॉलिसीज गाइडलाइंस एंड कंसिडर रिस्ट्रिक्टिंग द कंटेंट इन द मीन टाइम। प्लीज रिव्यू द कंटेंट एंड कंसिडर मेकिंग रिवलाइंस टू एड्रेस द पर्सनल वायलेशन। ठीक है, इसकी हम समीक्षा करेंगे इस मेल की, जिसने भी ये कंप्लेन किया है, इस मेल की हम जांच करें, मतलब जिस इस कंप्लेन की शिकायत की हम जांच करेंगे, YouTube ने लिखा है। और अगर गलत होगा तो इस पे हम कुछ एक्शन लेंगे, और इस कंडीशन में आपको वीडियो जो है बिल्कुल हटाने की ज़रूरत नहीं है, YouTube से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, YouTube स्टूडियो में एक कस्टम एडिट, जब भी आप वीडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक कस्टम ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिस वीडियो आपको अपना यहाँ पे देखिए किस किस चीज़ पे आ सकता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज नोट दैट द वायलेशन मे आल्सो ऑस्योर इन द टाइटल वीडियो डिस्क्रिप्शन चैनल इमेज और बैकग्राउंड। भाई, ये चैनल के बैकग्राउंड पे भी आ सकता है, थंबनेल पे भी आ सकता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन या वीडियो के किसी पार्ट में भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ आपको चेक कर लेनी है, जिस वीडियो पे भी ये मेल आपके मोबाइल पे आया है। और अगर हो सकता है आपको लग रहा है कि वास्तव में मैंने यहाँ पे कोई गलत चीज़ अपलोड कर दी है, किसी और का कोई कंटेंट या किसी की बिना परमिशन के कोई फोटो वगैरह अपलोड कर दिया है, तो भाई आपको उस पर ब्लर लगा लेना है जाके, वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और अगर आपको नहीं लगता कि मैंने वास्तव में यहाँ पे कुछ गलती की है, आपको लग रहा है मेरा जेन्युइन कंटेंट है, मैंने किसी का कुछ भी कॉपी नहीं किया है या किसी की कोई भी ऐसी चीज़ मैंने अपलोड नहीं किया जिससे किसी की प्राइवेसी ब्रेक हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। YouTube समीक्षा करेगा इस मेल की, अगर वो उसमें वास्तव में गलत पाया जाएगा तो ही इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा। बस ये YouTube आपको नोटिफाई करने के लिए ये मेल भेजता है कि आप एक बार चेक कर लो हमारे एक्शन लेने से पहले, ठीक है? अगर उसमें कुछ भी गलत नहीं है तो YouTube इस मेल को इग्नोर कर देगा, ठीक है? और अगर भाई गलत है तो हो सकता है YouTube आपकी वीडियो को रिमूव कर दे और साथ में कोई या तो वार्निंग दे के छोड़ दे या फिर स्ट्राइक भी दे सकता है। तो इस कंडीशन में आपको अपने टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और वीडियो के सभी पार्ट्स अच्छे से चेक करके, अगर लग रहा है कि कुछ गलत चीज़ अपलोड हो गई है, किसी दूसरे का कोई कंटेंट या कोई प्राइवेट चीज़ अपलोड हो गई है, तो उसको ब्लर कर देना है। ये है इस मेल का मतलब, ठीक है? आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना।